बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फन विद इरम खान। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्टी मेकअप, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। बेस तो मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, जस्ट मैंने आपसे आई मेकअप शेयर करना है। तो सबसे पहले हम आईब्रोज की तरफ जाते हैं। आईब्रोज के लिए सबसे पहले आप आईब्रो ब्रश ले लीजिए। ब्राउन कलर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आईब्रोज पे, मोस्टली लोग ब्राउन कलर्स ही अप्लाई किया जाता है। ब्राउन कलर से आप अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप दीजिए। आई पैलेट आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप किसी भी आई शेडो पैलेट से कलर्स लेके आप उस पर आईब्रोज अप्लाई कर सकते हैं। आज मैंने सोचा आपके लिए कुछ चेंज लेकर आते हैं ताकि आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। आपके आईब्रोज जो हैं वो आपके फेस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। आईब्रोज की शेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आईब्रोज अच्छी से बनी हुई है और उस पर शेप अच्छी है, अच्छे से आपने बनाई है, तो आपके मेकअप का लुक आएगा। चलिए हमारे आईब्रोज तो रेडी हो गई हैं। कंट्रोल ब्लश एंड हाइलाइटर किट है मेरा। ये मल्टीपल इसके यूजेस हैं जिसमें मैंने आईब्रोज ब्लश ऑन हाइलाइटर इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लश यूज़ किया है। ब्लश जो है वो आप चीक्स पे अप्लाई करेंगे। कई आई शेडो पैलेट है मेरे पास, इसके कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आईज पे आई कंसीलर अप्लाई कीजिए, जो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। आई कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप अपने आई शेडो पैलेट से कोई भी लाइट कलर उठाइए। लाइट कलर आप अपने लिड पर अप्लाई कीजिए क्रीज बनाने के लिए, ठीक है। अब अपने बहुत ही लाइट कलर से अपनी ग्रेस को स्टार्ट करना है, लिड पे अप्लाई करना है। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा डार्क शेड लीजिएगा। डार्क शेड आप पिंक ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पिंकिश रेड को मिक्स करके लिया है और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लिड पर अप्लाई किया है क्रीज लाइन और लिड। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से मिक्सअप कीजिएगा एंड क्रीज लाइन से आप थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं। जितनी अच्छी इसकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इसे
कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना अच्छा ये लुक आएगा। आप देख सकते हैं आपने कितनी अच्छे से इसकी क्रीज बन गई है। चलिए इसका ब्राउन कलर आप लेंगे, आईब्रो बोन पे अप्लाई करेंगे। लिड के ऊपर वाले एरिया और क्रीज लाइन के ऊपर वाला जो एरिया होता है आईब्रो बोन कहलाता है। आईब्रो बोन के ऊपर आपने डार्क ब्राउन कलर लिया है, डार्क ब्राउन कलर से आपने इसकी मिक्सअप किया है इसको। अब आप यहाँ पे आई शेडो पैलेट मैंने एट्यूड कर लिया है। एट्यूड के आई शेडो पैलेट से एक कलर ब्लैक जो है वो मुझे चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर हर पैलेट में अच्छा नहीं होता। एट्यूड के आई शेडो पैलेट में ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा है, इसका सेल्फ अमेजिंग है। तो जो ब्लैक कलर है वो आई के कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, आई बॉल के कॉर्नर पे, जस्ट कॉर्नर पे अप्लाई करना है, पूरे आई बॉल पे अप्लाई नहीं करना है। इसको अच्छे से आप ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका शेड्स उतने ही खूबसूरत लगेंगे और आपका आई मेकअप भी उतना ही अच्छा लगेगा। ब्लेंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रशेस आप जिस जो इस्तेमाल करें इसमें वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आई कंसीलर ले चलिए, आई कंसीलर को आप अप्लाई करेंगे इनर आई बॉल पे। इनर आई बॉल पे आपने कंसीलर ऐसे अप्लाई करना है कि आपकी क्रीज लाइन डिस्टर्ब ना हो। क्रीज लाइन को देखते हुए आपने ओनली आई बॉल पे, इनर आई बॉल पे आपने हाइलाइटर अप्लाई, सॉरी कंसीलर अप्लाई किया। कंसीलर के ऊपर जब आप कलर अप्लाई करेंगे बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, उसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी होगी और इन्हेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कलर यूज़ करते हैं तो उस पर अगर आप दूसरा कलर लगाएं तो वो रिजल्ट नहीं आता। देख सकते हैं कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया है दोनों आईज के ऊपर, इनर बॉल आईज के इनर बॉल पे अप्लाई किया है। केके का एक और पैलेट है मेरे पास, आई पैलेट आई शेडो। आई शेडो पैलेट जितने भी हों वो कम होते हैं, आपको पता है जहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो वहाँ से वो उठाना पड़ता है। यहाँ से मैंने इसलिए ब्लू कलर, लाइट ब्लू, स्काई कलर इस पैलेट से लिया है। इनर आई बॉल पे आप इसको अप्लाई करेंगे। जस्ट पहले टैपिंग करेंगे हल्के से, फिर इसके ऊपर आप प्रॉपर कलर अप्लाई कीजिए।
इसी शीट को अंडर आई भी अप्लाई करेंगे। अंडर आई के लिप पे आप उसको अप्लाई कर दीजिए एंड के कॉर्नर पे आपने डार्क कलर अप्लाई करना है और स्टार्ट में आपने लाइटर शेड ले लेना है या जो आपने जिससे आपने ग्रीस बनाई थी वही लाइटर शेड आपने इनर ऑफ द आई कॉर्नर अप्लाई करना है। यहाँ पे आई बोन पे अंडर जो आईब्रोज के जो ऊपर के आईब्रोज के नीचे की जो जगह होती है वो आई बोन कहलाती है आईब्रो बोन। इसके ऊपर आपने कलर अप्लाई किया, इसके ऊपर आपने डार्क ब्राउन कलर अप्लाई किया है और अपनी ग्रीस को भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लिया। उसके बाद आपने एक्वा का ब्लैक लिक्विड ब्लैक केक लाइनर आपने ले लिया। एक्वा का लाइनर बहुत अच्छा है, एक्वा ब्लैक केक लाइनर। ब्रश की मदद से आप लाइनर अप्लाई कीजिए इसकी ब्लैक पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और इससे लाइनर लगता भी बहुत अच्छा है, मतलब जो ब्लैक कलर आपको चाहिए होता है ना वो आ जाता है। तो लाइनर के लिए इट्स द बेस्ट यू नो, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ करते हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस होता है आप उसको रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पॉप का मस्कारा अप्लाई करना बता रही हूँ। आईलैशेस मैंने इस्तेमाल आज नहीं की हैं, आज मैंने कहा थोड़ा सा चेन थोड़ा सा सिंपल लुक होना चाहिए, पार्टी मेकअप विदाउट आईलैशेस भी होना चाहिए, तो मैं अपनी ही आईलैशेस पे पॉप का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। पॉप का मस्कारा का रिजल्ट बहुत अच्छा है।
यहाँ पे द मैनेजर सिस्टर का हाइलाइटर, इसका रिजल्ट बहुत ही आला है, बहुत ही आला। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप हाइलाइटर यूज करेंगे, ब्रश की मदद से आप पहले अपर नोज पे अप्लाई कर लीजिए, देन आप इसको चीक्स पे अप्लाई करेंगे, फोरहेड पे भी, ब्रश की मदद से थोड़ा सा आपने इसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना फिंगर्स का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे फिर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा और अच्छा मेकअप जो है वो आप अपने फिंगर्स से भी कर सकते हो, यानी आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके ब्रश ही से। दैट्स द बेस्ट ब्रश। आई होप कि देखिए लाइन आपको पसंद आया होगा। सिंपल एंड ईजी मेकअप है। यहाँ पे मैं वेलवेट विक्टोरिया सीक्रेट का वेलवेट मैट ग्लॉस लूँगी। मैं थोड़ा सा लाइट कलर लिया है और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सिंपल ईजी लुक, और फौरन आप रेडी हो जाएं, 10 मिनट में 15 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मैंने थोड़ा सा बालों के साथ कुछ ऐसा हेयर स्टाइल तो नहीं अप्लाई किया, लेकिन थोड़ी सी आयरन की है। आयरन मैं आपको करना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो पे मैंने आपको बस थोड़ा सा इजी और जल्दी मेकअप, यानी पार्टी मेकअप आप करना बताना था, वो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा इजी और सिंपल वे, सिंपल स्टाइल। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको न्यू मेकअप, ईजी मेकअप, ईजी हेयर स्टाइल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और मज़ीद मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़, न्यू स्टाइल लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पसंद आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।